एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक बनियाखेड़ा में स्थित अकरोली गांव पड़ा, जहां पर ग्रामीणों ने सरोज देवी को ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए जा रहे हैं। लगभग 10,000 की आबादी, 4800 वोटर वाले इस गाँव की ब्लॉक से दूरी 10 किलोमीटर तथा जिला मुख्यालय से दूरी 26 किलोमीटर है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव के प्राइमरी विद्यालय व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 520 बच्चे शिक्षा ग्रहण आ रहे हैं। बात अगर विकास कार्यों की करें तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 70 हैंडपंप लगे हुए हैं तथा 20 और हैंडपंप सरकार से लगवाने की मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में विद्युत पोल, विद्युत ट्रांसफार्मर व 33 सोलर लाइट भी लगी हुई है। गाँव में 20 सीसीटाइज रोड, खडंजे, स्कूल में मरम्मत कार्य, पानी निकासी के लिए नाली व जूनियर हाई स्कूल की बाउंड्री का भी निर्माण कराया गया है। वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 150 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 48 आवासों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में सीसीटाइल्स रोड, पानी की टंकी, शमशान घाट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 280 शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। प्रधानपति ग्राम पंचायत अकरोली विकासखंड बनियाखेड़ा जनपद संभल का निवासी हूँ। मेरी ग्राम पंचायत में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जो धनराशि प्राप्त हुई है, मैंने वो गांव के जनहित में जरूरत, जहां जरूरत के हिसाब से गांव में विकास कार्य कराए हैं। विकास कार्य में नाली, खड़ंजा, सीसी टाइल्स, स्कूल के मॉडर्न शौचालय, आंगनवाड़ी की मरम्मत व बेबी फ्रेंडली शौचालय, सोलर लाइट, हैडपम्प मरम्मत और अन्य बहुत सारे गांव के जनहित में जरूरत के हिसाब से जो गांव की ग्राम पंचायत का प्रस्ताव द्वारा जो काम दिए जाते हैं वो पूरा प्रयास करा है उनमें करने का। और जैसे जैसे धनराशि मिलती रहेगी हम गांव की जरूरत के हिसाब से काम करते रहेंगे। राज्य सरकार, केंद्र सरकार से आपकी डिमांड क्या है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार से चाहूँगा कुछ हमारी ग्राम पंचायत को अतिरिक्त धनराशि दी जाए, जो हमारा गांव सुविधाओं से वंचित है वो पूर्ण रूप से मतलब काम हो सके। जैसे कि अब से ठीक 1.5 वर्ष पहले हमारी ग्राम पंचायत द्वारा एक प्रस्ताव मांगा गया था कि शासन से प्रस्ताव मांगा गया था टंकी का, पानी की टंकी का, तो उसके लिए हमने पूर्ण सहयोग किया। जैसे कि हमारे गाँव का सर्वे हुआ और भी हमारी हमसे जगह मांगी गई थी उसका भी हमने ग्राम पंचायत और लेखपाल को बुला के उसका प्रस्ताव करके दिया, वो हमने सारे काम निपटा दिए थे। बार बार हमारी लगातार ब्लॉक स्तर पर जेई साहब से बात हुई तो उन्होंने बताया कि केवल शासन से बजट मिलने की देरी है और बजट मिलते ही आपके गाँव में शीघ्र ही टंकी का काम शुरू करा दिया जाएगा। तो मेरी राज्य सरकार से गुजारिश है कि जो हमारे गांव में टंकी का बजट जो जारी होना है वो कृपया पूर्ण मतलब बजट जारी कर हमारे यहाँ का काम जो है शुरू कराने की कृपा करें, जिससे लोगों को पानी की किल्लत जो है समस्या बनी हुई है वो दूर हो जाए। और एक समस्या और है हमारे यहाँ की कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय में हमारा गांव था, जो विद्युतीकरण होना था, हमारे गाँव की पूरी जर्जर लाइन है, हमारा जो बिजली का फीटर पड़ता है वो यहाँ से 10 किलोमीटर है, बहुत टाइम की लाइन बनी हुई है, जर्जर तमाम बार टूटती रहती है, कभी खंभे कभी तार वगैरह, और गांव की भी सब विद्युत लाइन जर्जर है। तो और 1.5 साल पहले लगभग हमारे यहाँ खंभा आके डल गए थे और वो खंभे आज तक नहीं लग पाए हैं। तो मेरी राज्य सरकार से पुनः जनप्रतिनिधि जो भी क्षेत्र में सबसे गुजारिश है कि हमारे जो गाँव का विद्युतीकरण है और एक गाँव में फीटर लगवा दिया जाए तो और ज़्यादा मेहरबानी होगी। और विद्युत मतलब जो फीटर है, बिजली घर है, उसके लिए भी हमारी ग्राम पंचायत एक प्रस्ताव करके दे चुकी है। सफाई कर्मी नहीं आपके ग्राम पंचायत में? हमारे गांव में एक सफाई कर्मी तैनात था और वो भी बिना बताए यहां से उसका ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि यह दूसरा सफाई कर्मी तैनात करके जब ट्रांसफर किया जाता है या जब ट्रांसफर हुआ तो तुरंत कराया जाता है। 1 वर्ष हो गया लगातार हमने तहसील दिवस में खंड विकास अधिकारी को और तमाम हम DPRO वगैरह को हमने अपने गांव की सफाई कर्मी के लिए मांग पत्र दिए हैं, आज तक हमें सफाई कर्मी उपलब्ध नहीं हो पाया है, जिससे त्यौहार है उन पर तो हम अपनी ग्राम पंचायत से सफाई करा देते हैं बीच कुछ, फिर भी छोट मतलब समस्या बनी रहती है कुछ। मैं सुनीश कुमार, ग्राम अकरोली,
विकासखंड बनियाखेड़ा, और पहले ये रास्ता बहुत खराब था, अब तो निकलने में बहुत परेशानी होती थी। अब तो हमारे गांव के प्रधान जी ग्राम सरोज देवी पत्नी श्री राजेंद्र सिंह, अब तो बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि किसी को अब निकलने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। राकेश कुमार, ग्राम अकरोली का निवासी हूँ, ब्लॉक बुनियाखेड़ा में लगता है गांव मेरा। यहाँ पानी की टंकी का सर्वे हुआ था दो वर्ष पहले लगभग, और अभी तक टंकी के सर्वे होने के बाद बजट जारी नहीं हुआ, और यहाँ सड़कें तो काफ़ी बहुत हो चुकी हैं पूरी, और सफाई कर्मचारी न होने की वजह से यहाँ थोड़ी गंदगी रहती है, और बिजली की यहाँ बहुत समस्या है, लो वोल्टेज रहते हैं, और बिजली के लिए भी प्रस्ताव दे दिया है बिजली घर के लिए, और 1.5 साल से यहाँ खम्भे पंडित मेरा गांव पंडित दीनदयाल योजना में के अंतर्गत चयन हुआ था, फिर भी यहाँ 1 साल बाद खम्भे लगे, खम्भे लगने के बाद अभी लाइन नहीं खींची यहाँ पर।